अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद फजान खान, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एट 3A मार्केटिंग। और आप इस बैंगलोर का शॉर्ट टूर देख ही चुके होंगे। अब आपने डिसाइड करना है कि वीडियो में आगे बढ़ना है मज़ीद कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए, क्योंकि इस बैंगलोर में भी आगे इसके ओनर भी आने वाले हैं और इसके ओनर ही आपको खुद बताएंगे कि इस बैंगलोर की प्लानिंग कैसे हुई है, इस बैंगलोर में मटेरियल कौन सा लगा हुआ है और क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं इस बैंगलोर के। तो चलिए हम चलते हैं इस बैंगलोर की तरफ और फिर इसके ओनर से मुलाकात करते हैं और यहीं से हम बैंगलोर का टूर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मिलते हैं जैन भाई से, जो कि इस बैंगलोर के ओनर हैं। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जैन भाई, हम अपने ऑडियंस को एक बैंगलोर विजिट करवाने जा रहे हैं जो कि आपने बहुत दिल से बनाया है, तो उसकी थोड़ी सी इन डेप्थ डिटेल्स मैं बताना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को, ताकि फैमिलीज बैठ के वहीं पर डिसाइड कर लें कि यार हम इस बैंगलोर में इजीली अकोमोडेट हो सकेंगे या उसकी प्लानिंग कैसी है, चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग। तो इस बैंगलोर की प्लानिंग है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है एक लॉन्च प्लस किचन, उसके अलावा एक मास्टर बेडरूम है और एक बिग ड्राइंग रूम आपको अवेलेबल मिलता है आपको इसमें। तो हम इसके साइजेस और इसमें मटेरियल्स कौन सा यूज़ है वो हम जैन भाई से बात करेंगे। चलते हैं टीवी लॉन्च प्लस किचन की तरफ और वहीं पर हम जैन भाई से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। ये इस बैंगलोर का जो है एक बिग लॉन्च प्लस किचन है। तो जैन भाई, कितना साइज होगा इस बैंगलोर का, इसका किचन का और कौन सा मटेरियल लगा यार? पहले तो डायमेंशन ऑफ द प्लॉट की हम बात कर लेते हैं। ये 36x30 है, 36 इसका फ्रंट है, डेप्थ इसकी 30 है और ये हमारा ओपन एरिया है जिसमें किचन है ओपन एरिया के साथ और एक कन्वीनियंट स्टोर दिया हुआ है हमने। ये अगर जैसे ग्रोसरी वगैरह यहाँ रखना चाहे तो वो इजीली अकोमोडेट हो सकती है। इसके साथ हमने एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है जो उसका साइज है 17x13 का। इसके साथ एक वॉशरूम भी है और बैक साइड पे जो हमने दी हुई प्लानिंग, बैक साइड पे गली है, बैक साइड पे वॉशिंग एरिया प्लस गैलरी है, आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, वुडन मटेरियल के बारे में अगर हम पूछना चाहें और जैन भाई तो बताएं वुडन मटेरियल। सारी इसकी जो विंडोज जो है वो येलो पाइन की है, ये पेस्टिंग डोर है सारे और इसमें थोड़ा सा काम इसमें बाकी है, फिनिशिंग वर्क बाकी है इसमें जो अभी वो जब भी अब हम एंड यूजर को हैंड ओवर कर रहे होंगे तो बिल्कुल कंप्लीट वर्क करवा के, बिल्कुल जी। इससे पहले इसके वॉशिंग का व्यू ले लेते हैं, हम सैनिटरी वर्क कैसे होगा, कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है इसमें। सैनिटरी जो है वो मास्टर्स की लगी हुई है सारी और टाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं, फोर सीलिंग वर्क भी अच्छा हुआ है माशाल्लाह से, हर कमरे में फॉल सीलिंग वगैरह हुई हुई है इसकी। हम मूव करते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम में जो है, ड्राइंग रूम का भी एक अच्छा बड़ा साइज है और इसकी एंट्रेंस एक मेन एंट्रेंस भी है, मेन एंट्रेंस कार पोर्च से आप मेन एंट्रेंस से भी आ सकते हैं ड्राइंग रूम में। नेट भी लगी हुई है। देन भाई, इसकी साइजिंग के हवाले से बात करें, आपको इसका साइज है 15x10 का। इसके साथ वैसे तो ड्राइंग रूम में होता है पाउडर रूम, बट मैंने उसको प्रॉपर एक वॉशरूम के तौर पे यूज कर लिया है। हम इसका व्यू ले लेते हैं जी। इसमें भी वही मास्टर सैनिटरी यूज हुई है जी, बिल्कुल हर वॉशरूम में मास्टर की सैनिटरी यूज हुई हुई है और जो फ्लोरिंग टाइल्स है वो पोर्सलिन के, साइज इसके 32x30 है और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी मौजूद है जिसमें भी नेट लगी हुई है, आप कभी ओपन करना चाहे तो नेट के साथ ओपन कर सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने स्टेयर्स के इसके साथ जो हमने शायद थोड़ा सा एरिया दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखें, इस बैंगलोर में स्पेस को बड़ा एफिशिएंटली यूज़ किया गया है। यहाँ पर जस्ट लाइक ड्रेसिंग दी हुई है, स्टेयर केस के नीचे भी एक स्टोर है जिसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है। स्टेयर्स पे देखिए ये जो आयरन वर्क हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, और ये ऐसे स्टील्स का इसमें रेलिंग लगी हुई है और जो स्टेयर केस है वो इसके ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। इस मूव करते हैं, आ जाइए हम ऊपर चलते हैं। जैसा कि पहले अर्ज किया कि वेंटिलेशन के लिए हमने स्टेयर केस पे भी एक विंडो दी हुई है ताकि प्रॉपर वैसे वेस्ट ओपन बैंगलोर है, ऊपर से आप बिल्कुल जी वेस्ट ओपन विंडो भी। ऊपर हमारे पास तीन कमरे आ जाते हैं, पहला कमरा स्टेयर के साथ ही है। इसका साइज जो है 14x12 का है, अगेन इसमें भी अटैच वॉशरूम With master sanitary, electricity work की अगर थोड़ी सी बात करें कि AC वगैरह के proper points दिए हुए हैं LCD के लिए सबके लिए, अगर electricity work की हम बात करें तो उसमें कौन सा material use हुआ है और किस quality के material चाहिए? क्या इसमें wiring जो है universal cable लगा हुआ है, हर कमरे में almost TV के वो है,
एसी का पॉइंट हर रूम में है, रूम में दिया हुआ है। इसके साथ मैंने जनरेटर की भी वायरिंग कराई हुई है, जिसका प्रोपोर्शन रखा हुआ है छत पे हमने। और फ्यूचर में सोलर लगाना चाहे तो सोलर के लिए भी पाइपिंग हुई हुई है प्रॉपर। ठीक है, तो हम मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर के नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम आ गए, इसके भी हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। कोशिंग का काम कैसा है, इसका व्यू चेक कर लें आप, वॉशरूम भी इसमें अटैच है। मैं चाहूंगा कि तीनों ऊपर जो बेडरूम से इसके हम साइज डायमेंशन वगैरह डिस्कस कर लें कि इस बेडरूम में कितना साइज है सामने। अच्छा जी, ये कंपैरेटिवली ये छोटा वॉशरूम है क्योंकि प्रोपोर्शन नहीं था, एक एज ए स्टडी रूम के तौर पे इसको निकाला है। इसके वॉशरूम में मैंने WC और कमोड दोनों ऑप्शन रख दिया है। इसका साइज है 10x11 का। ठीक है जी हाँ। और जो कंपैरेटिव दूसरे बेडरूम से, उनके जो दूसरे बेडरूम से जो मेरा मास्टर बेडरूम है, इसका तो 17x13 का साइज है, और दूसरा जो मैंने आपको पहले दिखाया वो 14x12 का साइज है, और हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। ठीक है, हम फिर थर्ड बेडरूम को विजिट करते हैं जो कि हमारा मास्टर बेडरूम 17x11 का यही है। ये आपको देखने से आइडिया हो रहा होगा कि आपका एक अच्छा बड़ा फर्नीचर मास्टर बेड समेत अकोमोडेट इजीली हो सकता है। इसका मैंने प्रोपोर्शन ये रखा है कि विंडोज मैंने थोड़ी दो लगा दी है जिससे प्रॉपरली वेंटिलेशन हो सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट ऑफ मैन है तो बहुत ज्यादा एरी है ये। ठीक है, वॉशरूम भी विजिट करते हैं इसका। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये अपने एरिया की तरफ जो स्टेयर्स के साथ एरिया है। अच्छा, ये प्रॉपर जो है 1 यूनिट बैंगलो है। अपनी ऑडियंस को बता दें कि ये प्रॉपर 1 यूनिट बैंगलो है। यहाँ पर किचन जो है नीचे मौजूद है, अगर फ्यूचर में आपने किचन बनाना भी है तो उसके लिए स्पेस अवेलेबल है, आप यहाँ पर इसीलिए अपना किचन बना सकते हैं। इसके साथ आप बालकनी टेरिस एरिया है ये विजिट करते हैं। ये भी 120 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो है एक अच्छा बड़ा स्पेस है, जहाँ पर आप अपनी ईजिली 4 चेयर्स भी रखे ईजिली अपनी एकोमोडेट करके यहाँ पर अपनी शाम गुजार सकते हैं आप। और अगर व्यू चेक करें यहाँ से तो ये ए ब्लॉक का हाइटेड लोकेशन है प्लॉट है। और मजीद फीचर्स की अगर हम बात करें तो वेस्ट ओपन प्लॉट बैंगलो है ये, और ये हार्डली मेन गेट की एंट्रेंस से 2 से 3 मिनट के अंदर आप इस बैंगलो पे पहुँच जाएंगे आप। तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि हमसे कहती हैं कि हमें नियर टू एंट्रेंस दिलवाएं बैंगलो या ए ब्लॉक में बैंगलो चाहिए, तो ये उनके लिए बहुत ही आइडियल लोकेशन का बैंगलो है। चलिए अब यहाँ से हम चढ़ते हैं अपने रूफ की तरफ ताकि हम रूफ से भी एक व्यू मिल जाए हमें कि कैसा व्यू आ रहा है इस बैंगलो का। चलिए, तो थोड़ा सा मगरिब के बाद का टाइम हो गया, आप फिर भी व्यू चेक करें यहाँ से कि कैसा व्यू आ रहा है। मस्जिद जो है आपको इस बैंगलो से ही दिख रही होगी, ए ब्लॉक की जो मस्जिद है ग्रैंड मॉस्क, उसका व्यू दिख रहा है। ग्लोब रेजिडेंसी जो बन रहा है वो भी आपको करीबी दिख रहा है, तो इससे आपको इन चीज़ का आइडिया हो सकता है कि आप गेट से कितना जल्दी इस बैंगलो में पहुँच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस बैंगलो की डिमांड की, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास सबसे कमेंट जो आते हैं वो इस बैंगलो की डिमांड के लिए आते हैं। जैन भाई क्योंकि हमारे साथ ही हैं, अगर हम चाहेंगे कि वही आप लोग को डिमांड बताएं इस बैंगलो की। ऑब्वियसली बात है कि जो भी हम डिमांड डिस्कस करेंगे उसमें नेगोशिएशन हो सकती है, अपनी फैमिली के साथ विजिट करें और मीटिंग करें हमसे। जैन भाई क्या डिमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें पेड है, कि इलेक्ट्रिक के चार्जेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग पेड है। इसकी मैं आस्किंग कर रहा हूँ 32.5 मिलियन। आप मिलते हैं, हम चलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।